ज्ञान 24 में सुमन शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। आप सबको मैं एक दो टेक्निक्स करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स बताती जा रही हूँ इस चैनल पे भी, जिसमें कि हम ज्यादातर अपने पूजा पाठ या फिर अपनी जो धार्मिक मान्यताएं हैं उनसे रिलेटेड वीडियोस इस पे हम देखते हैं। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक जो है वो स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ चलती है, जो हमें हेल्प करती है हमारी विशेस को मैनिफेस्ट करने में, हमारी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, आप लोगों को मैं सिर्फ एक चीज बताने जा रही हूं आज। और अभी मैंने थोड़े दिन पहले 111 टेक्निक आप लोगों डबल वन टेक्निक बताया था, जो काफी इफेक्टिव है अगर आप लिख लेते हैं तो। फिर वाटर टेक्निक बताया था आप लोगों को, जो पानी आप अफर्म करके अपने लिए पियेंगे वो आपको कैसे हेल्प कर सकता है। ठीक है, आज मैं इस वाले चैनल पे आपको गॉडेस हिकाटे का एक टेक्निक बताने जा रही हूँ। मैं ये गॉडेस हिकाटे के रिचुअल ज्यादातर न्यू मून पे बोलती हूँ करने के लिए। ठीक है, न्यू मून उनका डे होता है, उस दिन अगर हम कोई रिचुअल उनके नाम का करते हैं तो वो काफी बेनिफिशियल होता है। लेकिन आज इस प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर लाइफ में कोई एकदम से डेस्परेट सिचुएशन आ गई, डेस्परेट मतलब एकदम से कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है लाइफ में, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना है, अभी कैसे किसको हम प्रे करें, ठीक है, गॉडेस हिकाटे एक ऐसा नाम है, एक ऐसी पावर है जिनको पुकारते ही आप कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में हो आप वहां से निकल ही जाते हो। इनकी चाबी रखनी होती है, वो अगर आपको देखना है तो प्लीज आप यूनिवर्स कनेक्शन वाले चैनल पे जाकर के गॉडेस हिकाटे बाय सुमन शर्मा डालिएगा, वहां पे बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, आपको उसमें बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा कि कैसी चाबी रखनी होती है, कौन सी चाबी रखनी होती है और क्यों चाबी रखनी होती है। ठीक है, गॉडेस हिकाटे ग्रीक गॉडेस हैं, पर ये पावर बहुत सुपर है, बहुत सुपर पावर है, मैं बोलूं तो इतने सारे लोगों की मदद की है जिसका कोई जवाब नहीं है। ओके, सो अभी मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको कि अब जब भी लाइफ में लगे कि कोई बहुत ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है, कोई चीज़ है जो एकदम से दुखी कर रही है, बिल्कुल ठीक ही नहीं हो रही है, तो आप क्या करना, अपने घर से बाहर निकलो, क्रॉस रोड की गॉडेस हैं ये, तो चौराहा जो है आपके घर के आसपास कहीं पे भी चौराहा मिल जाता है अगर, तो चौराहे पे जाके एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा उठा के लाओ, उस पत्थर के टुकड़ों को घर ला करके आप उसे वॉश कर लो, पानी में धो लो, उसको धो करके आप उसको मुट्ठी में लो, उतना ही छोटा सा टुकड़ा लेना जो आपकी मुट्ठी में आ जाए। ठीक है, मुट्ठी में लेकर के आप उसको एक जगह बैठ जाओ, बैठ करके आंखें बंद करके गॉडेस हिकाटे से प्रेयर करो, सिर्फ इतनी प्रार्थना करना कि गॉडेस हिकाटे मुझे इस परेशानी से जल्दी से निकाल दो, आप इसको निकाल दो, मुझे इस परेशानी को खत्म कर दो, और ये परेशानी जैसे ही खत्म होगी मैं आपको 5 दाने बादाम के ऑफर करूंगी, या फिर इनको बादाम ऑफर करते हैं, गार्लिक भी ऑफर करते हैं, इनकी ऑफरिंग्स थोड़ी डिफरेंट है, स्वीट्स ऑफर कर सकते हो, पेस्ट्री ऑफर कर सकते हो, ऐसी मैं बादाम बोलती हूँ, बादाम हर एक के घर में होते ही होते हैं। ओके, तो 5 दाने बादाम लेने हैं आपको, कहाँ पे ऑफर करोगे वो बता देती हूँ, एक प्लेट ले लो स्टील का, या फिर जो भी जो जले नहीं क्योंकि उसमें आपको कैंडल जलानी है, एक मोमबत्ती जला लो उसके अंदर, और ये 5 दाने बादाम के वहां पे रख दो मोमबत्ती के पास, हाथ जोड़ के गॉडेस हिकाटे को धन्यवाद करते हुए कि आपने मुझे इतनी बड़ी मुश्किल से निकाल दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, ये मेरी तरफ से ऑफरिंग है। इस प्लेट को आप कहीं पे भी घर के किसी भी कोने में रख दो ऑफरिंग बोल के, मंदिर में नहीं करना बता रही हूँ, अपने घर के मंदिर में मत करना, ठीक है, सो कोने में रख के इसे ऑफरिंग की तरह वहां पे दे दो, और देने के बाद आप वहां से हट जाएंगे, थोड़े देर इसको वहां रहने दो, मोमबत्ती को जलने दो, बाद में आप जाके चाहो तो मोमबत्ती बुझा दो, ये 5 दाने बादाम के उठा के आप खुद भी खा सकते हो, बाहर किसी को दे सकते हो, जैसे भी करना है आप कंज्यूम कर लो, कोई इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपने जो ये, हाँ, जब आप पत्थर से प्रार्थना कर रहे हैं तब आप ये प्रार्थना करके इस पत्थर को अपने सिरहाने तकिए के नीचे रख के सो जाएंगे रात भर। ठीक है, दिन में अगर आप लाए हो कोई बात नहीं, उसी वक्त तकिए के नीचे रख दो, रात भर रहने दो इसको, सुबह उठ करके आप इस पत्थर को जाकर के कहीं पे भी रोड पे फेंक देना, अगर आपके घर के आसपास चौराहा नहीं है तो आप रोड से उठा के ले आना और वापस से रोड पे ही इसको फेंक के आ जाना। ये जो एनर्जी है गॉडेस हिकाटे की, ये आपके लिए इंस्टेंट वर्क करती है, जिस किसी के लिए अगर काम नहीं कर पाई, नहीं किया, तो सिंपल आप ये समझना कि
सी इट्स नॉट नेसेसरी कि हर एनर्जी हर एक के लिए ही रिस्पॉन्ड करती है, मैक्सिमम टाइम सबके लिए करती है, कई कई बार किसी किसी के लिए रिस्पॉन्ड नहीं करती, ठीक है। और इस पे किसी का कोई इफ एंड बट या हम क्वेश्चन करने वाले कोई नहीं होते। एनर्जीज का अपना अट्रैक्शन है, उनकी अपनी पावर्स है, उनका अपना मन है, उनको करना है करेंगे, नहीं करना नहीं करेंगे, ठीक है। ईश्वर के दर पे भी जाके बहुत से लोग मन्नतें मांगते हैं, मुरादें मांगते हैं, तो क्या सबकी पूरी हो जाती है? बहुत से लोगों की नहीं भी होती है, ओके? तो कोई चीज अगर नहीं काम कर रही है आपके लिए, तो हो सकता है कि वो आपके लिए था ही नहीं, आपके लिए करेक्ट है ही नहीं, इसलिए काम नहीं कर रहा। तो बहुत इजी रह करके इसको करो, बहुत सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल है। अगर किसी की तबीयत खराब है बहुत ज्यादा, तभी भी आप स्टोन लाके और उसके लिए मैनिफेस्ट करके उसी के सिरहाने रख दो इस पत्थर को, और फिर सुबह इस पत्थर को ले जा करके आप इसको बाहर चौराहे पे या रोड पे फेंक दो। आप कितनी बार इस प्रक्रिया को दोहरा सकते हो तो मैं आपको बता दूं, आप इसको जितनी बार चाहो उतनी बार रिपीट कर सकते हो। अगर अमावस्या की रात आ गई है, न्यू मून पे आप इस वीडियो को देख रहे हो, न्यू मून आसपास में है, तो न्यू मून को तो जरूर करो, क्योंकि न्यू मून को किया गया यह एक्टिविटी बहुत 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 रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, ओके? सो आपको रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे। गॉडेस हिकाटे का एक अभी सक्सेस स्टोरी भी आई हुई है, मैं बताती हूं आपको। इन्होंने इनके यहां फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे थे बहुत ज्यादा, ठीक है। कोई प्रॉपर्टी थी जो सेल नहीं हो रही थी और जिसका इंस्टॉलमेंट इनको 15 साल तक भरना था। इन्होंने गॉडेस हिकाटे से ही अपनी प्रेयर की है, बार बार उनका नाम लिया है, और इतनी मतलब इम्पॉसिबल विश थी एक तरह से, ओके? और वो चीज़ जाकर के सॉर्ट आउट हो गई है और अब ये अपने इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बिल्कुल मुक्त हो गई हैं, निकल गई हैं। एक और सक्सेस स्टोरी है कि स्पेसिफिक पर्सन कॉल नहीं कर रहा था बहुत टाइम से, ओके? और बहुत परेशान थी ये, तब इन्होंने गॉडेस हिकाटे को कॉल किया, स्पेसिफिक पर्सन का भी कॉल आ गया, बहुत अच्छे से बातचीत हुई है, इवन मैरिज कमिटमेंट तक चीजें पहुंच गई हैं। तो इस तरह की हेल्प मिलती है हमें इनसे, लाइफ के हर सिचुएशन में हेल्प मिलती है। एक और सक्सेस स्टोरी मुझे याद है कि किसी ने मुझे लिखा था कि वो ऑफिस में काम करते करते देर रात हो गई थी, और उनका ऑफिस जहां पे था वहां से रात में जब वो निकली तो पूरा रोड सुनसान हो गया था, कोई टैक्सी नहीं, कुछ नहीं, और कैब्स भी बुक नहीं हो रहे थे। बहुत बार होता है हम कैब्स बुक करते नहीं हो रहा, वैसे ही सिचुएशन में वो आ गई थी, कैब्स तक बुक नहीं हो रहा था, और वो बेचारी बहुत परेशान हो गई कि अभी मैं रात को घर जाऊं कैसे, कि कुछ भी नहीं दिख रहा। तब उन्होंने उस टाइम पे रोड पे खड़े होकर सिर्फ गॉडेस हिकाटे को से प्रार्थना की, ठीक है, कि गॉडेस हिकाटे मेरी हेल्प करो, इस तरह से करके प्रार्थना की, सिंपल अपने शब्दों में दिल से प्रार्थना की, प्रार्थना दिल से होनी चाहिए, ठीक है। वैसे दिल से प्रार्थना की और तुरंत वहां पे, मतलब जहां कोई भी ऐसा नहीं था कि कहीं से कुछ अवेलेबिलिटी थी, वहां पे टैक्सी आके रुकी और वो बहुत सेफली अपने घर पहुंच गई। तो इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं उसमें ये एनर्जी आप लोगों की हेल्प करती है, नाम लेने से ही एनर्जी एक्टिव हो जाती है, ठीक है। तो आप भी इनकी हेल्प लो और ये छोटा सा रिचुअल आप जरूर करो अपनी कोई अगर ऐसी डेस्परेट विश है तो, और करने के बाद छोड़ दो, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन मत करो कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं कर रहे हैं, आप क्वेश्चन कर नहीं सकते, सिंपल सा। आपको सिर्फ ट्रस्ट और बिलीव करने के लिए बनाया गया है, हम सवाल नहीं कर सकते, एनर्जी से बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। हम मांग रहे हैं, हम उनसे हेल्प मांग रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, हम उनको पुकार रहे हैं कि वो हमारी मदद करें। आप सिर्फ उन्हें शुक्रिया अदा कर सकते हो, और जितना शुक्राना अदा करोगे, जितना ग्रैटिट्यूड अदा करोगे, उतनी जल्दी एनर्जीज वर्क करेंगी। अगर आप क्रॉस क्वेश्चन करोगे, बार बार क्वेश्चन करोगे, आप क्यों मेरे को मेरी बात नहीं सुन रही, आप क्यों मुझे आंसर नहीं दे रही, कभी भी नहीं होगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से आपको इस तरह की पावर से, एनर्जी से रिक्वेस्ट करनी चाहिए या कॉल करना चाहिए, उसका एक तरीका होता है, ठीक है। बस इतनी सी बात का ध्यान रखिए, और अपनी अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं या फिर लाइफ में, आप गॉडेस हिकाटे को लेके आओ, उनसे प्रेयर करो, उनकी चाबी कैसे रखनी है प्लीज आप यूनिवर्स कनेक्शन पे देखिए, ओके? सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।